हमारा फॉर्च्यूनर लेजेंडर मॉडल है, ये देख सकते हैं लेजेंडर। ये हम लोग इसमें एनवर्ट लगा रहे हैं, एनवर्ट प्ले लगा रहे हैं ऑटोमेशन का, और ये अपना ग्लोबल वाइट का कैनवास लगा रहे हैं। कैनवास लगाने का मेन फंक्शन ये है कि इसके अंदर ना JBL का ये एम्पलीफायर आता है, सेंट्रल स्पीकर सब JBL का आता है, वो डायरेक्ट स्पीकर डायरेक्ट आप कन्वर्ट लगाते हैं कोई भी, उससे एक्टिवेट नहीं होता है। इसके लिए हम लोग इसमें ग्लोबल वाइट का कैनवास लगा रहे हैं, जिससे ये कंपनी का जो एम्पलीफायर है वो एक्टिवेट हो जाए। उसके लिए हम पहले ये आप देख सकते हैं ये स्पीकर का सॉकेट हो गया, जिससे ये स्पीकर का वायर जाता है एम्पली को और एम्पली एक्टिवेट होता है, और ये पावर सॉकेट हो गया, ये कैमरे का सॉकेट हो गया, ये प्रॉपर है। और इसमें हम जैसे पहले तो कैनवास लगाने के बाद, ये तीनों सॉकेट लगाने के बाद इसमें कैनवास सेटिंग करना है पहले, तो कैनवास सेटिंग हम करेंगे इसमें, ये कार सेटिंग में जाएंगे। कार सेटिंग में जाने के बाद ये अपना फैक्ट्री सिस्टम सेटिंग, फैक्ट्री सेटिंग में जाएंगे, फैक्ट्री सेटिंग के अंदर पासवर्ड डालेंगे। या आप कोई भी एंड्रॉयड लगाते हैं तो एंड्रॉयड का पासवर्ड आप एंड्रॉयड से जो डीलर है उनसे आप ले लीजिए। फिर उसके बाद ये हम पासवर्ड इसके अंदर डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद हमारा ये इधर कैन टैप ऑप्शन आता है, ये कैन टैप में जाएंगे और ये कैन टैप सेट इधर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपको मेन आपको इधर रईस हाई वर्ल्ड ये सब है, इसमें हाई वर्ल्ड में सेलेक्ट करने का है। हाई वर्ल्ड में करने के बाद ये टोयोटा, आप टोयोटा पे क्लिक कीजिए। टोयोटा के बाद इधर देखिए नीचे हाईलैंडर करके आता है, ये हाईलैंडर पे क्लिक करना है, और ये 2015 ये 2018 नाउ हाई, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे एक्टिवेट हो जाएगा, ये कैनवास सेटिंग हो जाएगा पूरा प्रॉपर। कैनवास सेटिंग होने के बाद आप पहला तो आप डेटाबेस में चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे डेटाबेस ऑयल जाएंगे, ऑयल में ये पास्ट में करेंगे, तो इसके अंदर आपका जो फ्यूल माइलेज जो आता है ना वो आपको यहाँ पे बता देगा प्रॉपर, जो भी फ्यूल एवरेज यहाँ पे गाड़ी स्पीड जाएगा, RPM स्पीड आएगा ये, और माइलेज भी यहाँ पे आ जाएगा जिससे गाड़ी आपका स्पीड होगा। उसके बाद ये हमारा RPM हो गया, RPM यहाँ पे आ जाएगा, ये RPM देखेंगे, RPM आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा डोर खोलेंगे डोर आ जाएगा, लेफ्ट डोर चारों आपका डोर हो गया, आगे पीछे और पीछे बोनेट का। अभी जैसे RPM जैसे आप बढ़ाएंगे RPM दो, देखो ये RPM बढ़ा रहे हैं, RPM बढ़ रहा है। और उसके बाद मेन डोर का भी हो गया, उसके बाद मेन सेंसर, अब सेंसर देखिए रिवर्स डालेंगे, जैसे ही एक मिनट पहले कैमरे का लगा देते हैं सॉकेट हम, अभी रिवर्स डालेंगे तो रिवर्स कैमरा जैसे एक्टिवेट हो जाएगा। रिवर्स डालने के बाद आप देखेंगे पीछे का सेंसर भी चालू हो जाएगा, इसमें मूविंग गाइडलाइन कैमरा, जैसे आप मूविंग गाइडलाइन कैमरा आता है या आप मूविंग करेंगे ना गाइडलाइन, जैसे देखिए हम स्टीयरिंग घुमा रहे हैं और ये देखिए हमारा सेंसर भी एक्टिवेट हो गया, सेंसर दिखा रहे प्रॉपर ये देखिए, और ये मूविंग गाइडलाइन हम मूविंग कर रहे हैं, मूविंग भी हो रहा है। ये रियर सेंसर हो गया, ये फ्रंट सेंसर, ये दोनों सेंसर आगे का और पीछे का दोनों सेंसर भी एक्टिवेट हो गया। अभी हम रिवर्स से निकालते हैं, प्रॉपर देखिए बंदा वो घूम रहा है, प्रॉपर सेंसर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। फिर रिवर्स से निकालेंगे, जैसे हम रिवर्स निकालेंगे उसके बाद कैमरा बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो के लिए देखिए, हम अभी ऑडियो फुल कर रहे हैं बट ऑडियो हमारा बॉडी ऑडियो बहुत कम आ रहा है। इसके लिए ऑडियो हम सेटिंग करने के लिए, अगर ऑडियो आ रहा है, अगर स्लो आ रहा है या कम आ रहा है या आ ही नहीं रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे कार इन्फो सेटिंग में जाएंगे। कार इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे एम्पलीफायर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करने का, यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम जो है ना बहुत कम है, इसके लिए आवाज़ हमारा कम आ रहा है। अगर किसी में जीरो हो जाएगा तो वॉल्यूम आएगा ही नहीं आवाज़, तो यहाँ से देखिए जीरो कर दिया, मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे हमको फुल कर देना है। मैंने हमारा जो सेंसर ये एम्पलीफायर था ये प्रॉपर साउंड के साथ में एम्पलीफायर भी चालू हो गया, और पीछे का सब बूफर आगे का सेंटर स्पीकर सब प्रॉपर चल रहे हैं।
अभी उसके बाद ये स्टीयरिंग का बटन, ये भी जैसे आप कैनवास सेटिंग करेंगे ना, जैसे आप कैनवास सेटिंग करेंगे ऑटोमेटिक ये सेटिंग भी हो जाता है। ये अपर नेक्स्ट नेक्स्ट व्यू रहा है, ये फंक्शन इसका मेन है। यहाँ पे देखिए दो बटन आते हैं, एक तो मोड आता है और उसके अंदर होल्ड पे म्यूट होता है। तो जैसे हम मोड बटन करेंगे सिंगल प्रेस, तो कंपनी का जैसे मोड चेंज हो रहा है, देखिए मोड चेंज हो रहा है, देखिए प्रॉपर मोड चेंज हो रहा है सिंगल पे। अब इसको ही अभी आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो म्यूट हो जाएगा। देखिए लॉन्ग प्रेस मैं करके रखा हूँ तो म्यूट हो गया हमारा। तो जो OEM फंक्शन है वो प्रॉपर एक्टिवेट हो गया है, ये आपका कॉल का हो गया, सब प्रॉपर वर्क कर रहे हैं।